दोस्तों, ये मेरी डीप वो जंक्शन बॉक्स पे जो वाइट कलर की प्लेट लगती है उसकी डाई है ये। इस पे देखो ये काफ़ी स्क्रैच वगैरह है, तो इस करके मैं ये लेकर आया दिल्ली से अपना स्क्रैच रिमूव करने के लिए। आई है D15, ये रहा स्क्रैच रिमूव करने के लिए पेस्ट है। और ये है मिरर पॉलिशिंग के लिए, D3 लिखा है ना, D3 मिरर पॉलिश मिरर फिनिशिंग करने के लिए। बाकी मैं इस पे हल्का सा लगाऊंगा ये, उसके बाद ये बांस का डंडा है इससे मैं ऐसे ऐसे करके घिसूंगा, बाकी देखते क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले ये स्क्रैच रिमूव वाला पेस्ट लगाएंगे इस पे हल्का सा बिल्कुल। अब इसके बाद मैं इसको इससे घिसूंगा। ये लगभग मुझे 10 मिनट हो चुके हैं ऐसे घिसते हुए। ये प्रोसेस जो होता है टाइम तो काफ़ी लेता है, लेकिन फिनिशिंग देखते कैसी मिलती है, क्योंकि मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है लास्ट में। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए मुझे घिसते हुए, देखते हैं। स्क्रैच तो काफ़ी रिमूव हो गया, अब बाकी ये मिरर पॉलिश वाली पेस्ट लगा के देखते हैं। कम से कम 3 घंटे मैंने रगड़ा है इसको, तब जाके इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है। फाइनल रिजल्ट बढ़िया रहा। ये पॉलिशिंग मैंने इसलिए करी क्योंकि जब मैं पहले इसमें पीस बनाता था तो इस पीस में लाइनें आती थी, तो इस करके ये लाइन ख़त्म करने के लिए इस डाई में से मैंने इसको पॉलिश किया। अब बाकी मैं देखता हूँ मोल्ड मोल्ड करके कि ये पीस की अब फिनिशिंग कैसी निकलेगी दोबारा से। आई होप इससे अच्छी ही निकलेगी। थैंक यू।